अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची हैदराबाद से, और हैदराबाद से बहरिया टाउन का रास्ता है तकरीबन 90 मिनट समय लगते हैं। हम थोड़ा देर से निकले थे, निकलते निकलते हमें 4 बज गए थे क्योंकि छुट्टियां हैं तो देर से उठते हैं। फिर नाश्ता किया और बच्चों को तैयार किया, हम खुद तैयार हुए तो उसमें निकलते निकलते यही टाइम हो गया। और बस यही था हमारा कि हम थोड़ा दिन के टाइम जैसे पहुँच जाएँ वहाँ पर, तो दिन का व्यू भी देखें बहरिया का, और फिर शाम का और फिर रात का भी व्यू देखें, क्योंकि रात को वहाँ पे ज़्यादा रौनक होती है, लाइट्स वगैरह जलती हैं। हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ हैदराबाद में तो बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हों, और बहरिया में इतनी सारी लाइट्स देख के मेरा तो दिल खुश हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अंडर पास है, यहाँ से गुज़र के जाना पड़ता है और बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को ख़ास तौर पर। और जैसे ही ये हम क्रॉस करेंगे तो बहरिया का गेट आ जाएगा सामने। जी तो ये है बहरिया का गेट जो कि जलाया गया था और दोबारा से इसको बनाया गया है। काफ़ी टाइम लगा था इसको बनने में, जब तक उन्होंने एंट्रेंस जो है दूसरे गेट से की थी, वहाँ से थोड़ा मुश्किल था और बहुत थोड़ा दूर था वहाँ से जाना, लेकिन अभी माशाल्लाह से ये मेन एंट्रेंसेस की है। और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हो भी रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और न्यू ईयर में इसको बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। इस दफ़ा न्यू ईयर की वजह से इन्होंने डेकोरेशन नहीं की है, इन्होंने डेकोरेशन की है बहरिया टाउन 2 जो लॉन्च हो रहा है उसके लिए। तो ज़्यादातर उन्होंने पब्लिसिटी की थी बहरिया टाउन 2 की, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, ये लोग सेलिब्रेट करेंगे मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद बहरिया टाउन 2 में, तो वो नूरियाबाद के करीब है और उसकी लॉन्चिंग है, तो उसकी वजह से वो वहीं पे सेलिब्रेट कर रहे। ये है प्रेसेंट 4 और उससे आगे हम आ गए थे तो ये हैं बहरिया हाइट्स, और ये भी बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे, और इनकी पोजीशन भी मिल गई है काफ़ी लोगों को और काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये है ग्रैंड मॉस्क, और इसका भी अभी थोड़ा सा काम मेरे ख्याल में रहता है क्योंकि बाहर से तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही है इकरा यूनिवर्सिटी, और यहाँ प्रेसेंट 4 से हम घूम के और जा रहे हैं बहरिया हिल्स की तरफ, और ये बहरिया हिल्स का बैक साइड है। मुझे बहरिया में सबसे ज़्यादा यही इलाका पसंद है, यहाँ पर घर भी बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी और हाइट पर हैं। ये है अली विला, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि बहरिया हिल्स में अपना घर होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह देगा तो कोई देर ही नहीं लगती। और ये देखें अभी कम घर बने हैं लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, बहरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ही हवादार क्योंकि टॉप पे है और ज़्यादा दूर भी नहीं है जैसे ही, और बिल्कुल शुरू में भी नहीं है, बिल्कुल शुरू में जो घर हैं वो भी उनकी लोकेशन भी मुझे सही नहीं लगती, लेकिन ये थोड़ा मिड में है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और बहुत अच्छे 500 यार्ड्स के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। ये देखें ये इन्होंने थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सजाया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे स्क्वायर्स हैं और छोटे छोटे जो पार्क बने हुए हैं उनको इन्होंने पब्लिसिटी भी की है और साथ ही साथ सजाया भी हुआ है, क्योंकि न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है तो बहरिया में ये डेकोरेशंस लाइट्स वगैरह शुरू हो जाती हैं और जनवरी तक रहती हैं, तकरीबन जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये इसी तरह से रहती हैं और लोग आते रहते हैं, विज़िट करते हैं, छुट्टियां भी होती हैं, न्यू ईयर क्रिसमस और ये सारी चीज़ें। तो इस बार तो न्यू ईयर का नहीं बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की है, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाएँ, तो भूख भी बहुत लगी थी तो हम कार्निवल आ गए। ये है बहरिया टाउन का फूड स्ट्रीट, और बहुत ही पहले तो काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते थे यहाँ पे, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं आते यहाँ पे। और अच्छी जगह है बच्चों के लिए, ठीक है, थोड़े बहुत स्लाइड्स हैं और स्क्रीन लगाई हुई है, वीकेंड पे यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है और छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, और अच्छी जगह है खाने पीने के लिए फैमिली के लिए। तो हमें तो सिर्फ खाना खाना था, तो
हम यहीं पे चले गए कि हमने सोचा क्यों ना यहीं की कोई चीज़ ट्राई करें, क्योंकि और भी हैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स परसेंट फोर में, पिज्ज़ा मिर्ची वगैरह इनके हैं, सबवे है, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ें तो हैदराबाद में भी मिल जाती है, तो यहाँ कराची आए हैं तो यहीं की कोई चीज़ ट्राई करें। तो यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी खुला खुला और बहुत अच्छा बना हुआ है। ये डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, मस्जिद है यहाँ पे, रेस्ट रूम्स हैं, और यहाँ पे स्पेशली जब कोई मैच हो फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह का, तब यहाँ पे बहुत रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत ही जैसे मज़ा आता है यहाँ पे मैच देखने का। और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, जगह भी फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। हम जब गए थे तो वर्किंग डे था, तो इस वजह से हम यहाँ रेस्टोरेंट पे आ गए, और यहाँ पे देखें इन्होंने अलग अलग दीवारों पे ना अलग अलग से सेटअप बनाया हुआ है। और हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, अभी यहाँ पे क्लीनिंग हो रही और कोई था भी नहीं यहाँ पे। यह है इनका मेन्यू, रेट्स इनके ठीक थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे और चीप भी नहीं थे, मुनासिब थे, जैसे आजकल चल रहा है सब कुछ, तो उस हिसाब से थे। खाना इनका बहुत अच्छा था और सर्विस भी अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। स्टार्टर में हमने मंगवाई थी फ़िश एंड चिप्स, ये भी बहुत मज़े की थी, थोड़ी डिफरेंट थी, इनकी सॉस भी अच्छी थी और फ़िश तो बहुत अच्छी थी, कराची में तो मुझे बहुत अच्छी लगती है फ़िश, और स्पेशली सर्दियों में। फिर हमने पास्ता मंगवाया, और इसके अलावा बोनलेस चिकन कढ़ाई, वो भी बहुत अच्छी थी, नान भी अच्छे थे, फ्रेश थे। मैंने अपने लिए स्पेशली मंगवाई स्टेक, जो कि थी बीफ में, बीफ मेरे हस्बैंड नहीं खाते लेकिन मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और बहुत मज़े की स्टेक थी। खाना खा के हम वापस आ गए थे, और हमने सोचा थोड़ा सा राउंड लगा के और फिर वापस जाएं, क्योंकि आउटिंग हो गई थी, थक गए थे। और ये बाहर का व्यू है, बाहर भी इसी तरह से इन्होंने लाइट्स लगाई थी, ये भी एक छोटा सा पार्क है प्रेसेंट 12 में, और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, और इसलिए हम थोड़ी देर उतरे, लेकिन बहुत सर्दी थी। प्रेसेंट 12 जो है वो भी हाइट पे है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हवा होती है, गर्मियों में इतनी हवा होती है, अभी तो सर्दियाँ थी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और कोई था भी नहीं हमारे अलावा, कुछ लोग आए थे लेकिन फिर वो चले गए। लेकिन मुझे ये लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये ग्रीन ग्रीनरी में पौधों में जो लाइट्स लगी हुई होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और थोड़ी ही देर हम रुके थे, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे। ये इन्होंने बहुत बड़ा लिखा हुआ था बहरिया टाउन, तो समझ नहीं आ रहा था इसको किस तरह से कैप्चर करें, क्योंकि दूसरी साइड से जो था रोड था, और रोड बहुत करीब था, तो वहाँ पे तो हम खड़े होके नहीं वीडियो बना सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया बच्चों को भी और हमें भी, और बहुत अच्छी आउटिंग हो गई है। मेरी अम्मी है हमारे साथ, और बच्चे वैसे ही बहुत खुश होते हैं, जब भी अम्मी आती हैं तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये रात का व्यू है, और देखें सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, लेकिन मेरा कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इस वजह से वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रही। लेकिन यहाँ पर हम बस वापस जाने लगे थे, और ये गेट का रात का व्यू है जी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।